अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तिल दी फसल जड़ी है वो तैयार हो चुकी है ते जिमीदार हजरात जड़े ने वो तिल फसल दी फसल कट रहे ने। आओ तुहानू बहाने आ कि तिल किवें दे हुंदे ने, तिल दी फसल जड़ी है वो किस तरह दी हुंदी है। तिल कट्टे पे ने और ए जिहड़ियां तुसीं वेख सकदे हो कि फलियां लगियां नाल, इन्हां फलियां दे विच जिहड़े तिल ने ओह हुंदे ने, इन्हां नूं हरे हरे वढ लई जांदे ने। उस तों बाद फिर इन्हां नूं जिहड़ा ना ओह छोटे छोटे पूले बना के ते इन्हां नूं घर लै जाईदा, छत ते जा के इन्हां रखीदा, सुकाईदा, बाद फिर इन्हों झाड़ी का तेल कटी देने। नाना के उत्ते बिस्कुटा के उत्ते जिथे जिथे भी तुम कि तिल का इस्तेमाल वेखते हो, ये ही तिल ने ये जाते ने शहर च भी उ लगते हैं, नाना के उत्ते बिस्कुटा के उत्ते भी लगते हैं। बहुत इन घट लोड होंगी है, पानी ज्यादा लग जाए तो सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इस वास्ते पानी की बिल्कुल घट जरूरत होंगी है। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, और सुनाओ, गर्मी है अज? कि पैली दो पैली है ठीक न किन्ने तेल अच्छे हुए ने, पानी की लोड़ ही ना होंगी इस फसल। ठीक है ठीक है, हाँ जी, बारह का भी फायदा है। बी कि पाना पैंदा पैली ठीक है, वह किने का आ जाता? 500 रुपये किलो, यानी 1000 का 2 किलो बी हो जाता। ठीक है, तो एक पैली दे किने निकल आते हैं जे अच्छे हो जाए, जिस तरह आया हो जाने तिल अच्छे हो जाए 10 मण भी निकल जाते हैं। ठीक है, जे माड़े हो 5-6 मण निकल जाते हैं। ठीक है, इस टाइम की रेट चल रहा मन का? अंदाजा ने मतलब कि फिर भी ठीक है, ठीक हो गया। तो की कहना चाहोगे जिमीदारा जिन्हों के कोल मतलब कोई जमीन है उन्होंने तिल लाने चाहिए ने? खर्चा थोड़ा है, पानी नहीं देना, खाद नहीं, ठीक है, पानी लग जाए तो मर भी सकते हैं, और बारिश पैदा आसपास बड़ी जगह मारे गए हैं। ठीक है, यह जी जमीन रेतली ये तिलों वास्ते अच्छी है। ठीक हो गया, मतलब बारिश हो जाए एक दो ओदे नाल ही हो जाते हैं। सही हो गया, ये हम अपना जो घर ला जाने ने किन्ने क दिन बाद हम घर नहीं खड़ते? मतलब ये कहना कि फायदा हैगा ज्यादा
ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਡੇ ਨੇ ਜੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਸਤਾਅ ਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣੇ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਲੀ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਵਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਰੁਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 800 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 1200 ਮਤਲਬ 3000 ਰੁਪਈਆ ਵਗਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਬੀ ਤੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਸਪਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-5500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 6-7 ਮਣ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਤਿਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਬੀਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਲ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਿਲ ਝਾੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਨਾ। ਬਾਲਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਲਦਾ ਹੈ।